मेरी किस्मत को नई राह दिखाने वाले, मेरी किस्मत में मोहब्बत का सफर है के नहीं, मेरे आज आप बहुत अच्छी लग रही हैं अमन। थैंक यू। मेरा रिजल्ट आ गया है। कब आया? आज। मेरी अरे पेपर्स क्लियर हो गए? जी अमन। फातिमा, मैं तुम दोनों का फॉर्मली इंट्रोडक्शन करा दूं। फातिमा मेरी साथ यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी, मुझसे 2 साल जूनियर थी। आजकल हमारे दुबई वाले ऑफिस में काम करती है। वैसे अगर कोई लड़की पसंद नहीं है तो फातिमा के बारे में क्यों नहीं सोचता? तुम प्यार करती हो उनसे? मोहब्बत हो गई है तुम्हें उनसे? पता नहीं रामेन, मेरे पास अपनी फीलिंग्स को समझने के लिए कोई आला नहीं है। एमन के काम में बिल्कुल आपकी झलक। पिछले 20 साल की स्टॉक एक्सचेंज की हिस्ट्री देख लें आप, फैक्ट्स एंड फिगर्स चेक कर लें, उस पूरी हिस्ट्री को जो कंक्लूड किया है उसका अंदाज बिल्कुल आपकी तरह है। बहुत अच्छा काम किया तुमने। थैंक यू। मजाल है कि मुझे वो किताबें मिल जाए जिनकी मुझे जरूरत हो। पता नहीं मुझसे पहले कौन इशू करवा लेता है। कौन सी किताब ढूंढ रही है मैं? जो सर अजीज ने लिखवाई थी। हाँ वही वाली किताब है। मेरे पास घर पे पड़ी है, मैं तुम्हें कल ला दूंगा। दैट बी ग्रेट शही, थैंक यू। चलो मेरा मसला तो सॉल्व हुआ। शही तुम्हारे करीब रहने के बहाने ढूंढता है। सच बताओ इमन, तुम्हें शही पसंद नहीं है? बिल्कुल पसंद नहीं है, बल्कि मुझे तो जहर लगता है जब से उसने मेरे साथ फर्स्ट पोजिशन शेयर की है। वो बड़ी डिटर्मिनेशन से तुम्हारे पीछे है। मुझे तो उसकी आंखों में सच्ची मोहब्बत नजर आती है। तुम्हारे लिए फिदा है वो तुम पे। फिदा है तो होता रहे, ये उसका मसला है, मेरा मसला नहीं है। कितनी सख्त दिल हो तुम एमन। मेरे पीछे कोई इतनी डिटर्मिनेशन से होता मैं फट से हाँ कह देती। अच्छा प्लीज रामीना पढ़ने दो भाई, या मैं दूसरी टेबल पे जाके बैठूं। अल्लाह ही रहम करे तुम पे। वैसे जहाँ तुम आस लगा कर बैठी हो ना, वहाँ तुम्हारा कुछ होने वाला नहीं है। सारे के एग्जाम्स खत्म हो गए, बहुत एक्साइटेड है कि वापस आ रहे हैं। कब की सीट करवाई? मंडे की, पूरा एक हफ्ता बाद। ये 7 दिन कैसे गुजरेंगे तौफीक? गुजर जाएंगे। मैं ये सोच रही थी कि जब तक साहिर यहाँ है मैं ऑफिस नहीं जाऊंगी। तुम मुझे ना बताती तब भी मुझे बताती ये बात। और मैं साहिर को सरप्राइज देना चाहती हूँ। उसके आने से पहले उसके कमरे को बिल्कुल रिवैम्प कर दूं, न्यू फर्नीचर, न्यू कर्टन, सब कुछ। किसी अच्छे इंटीरियर डेकोरेटर से कंसल्ट करके उसके बेडरूम का इंटीरियर पूरा दोबारा करा लो। इस मसरूफियत में लगोगी तो हफ्ता कहाँ गुजरेगा पता भी नहीं चलेगा। That's a very good idea. मैं कल ही कॉल कर लूंगी। मेरा मूड बहुत खराब है।
ओए होए, ये किसने गुस्ताखी की कि आपके मूड को किसी ने खराब कर दिया? मुझे सच में बहुत गुस्सा आ रहा है। अच्छा सच में बता दो क्या हुआ? कल नवाब ज़ादे तशरीफ ला रहे हैं। कौन? कल तौफीक कमाल के लाडले बेटे आ रहे हैं। अच्छा, ये तो बड़ी गुड न्यूज़ है। कौन सी खुशी की बात है? आपको पता है एक हफ्ते से घर पे कैसी तैयारी होनी है, जैसे कोई बड़ा इंपॉर्टेंट शख्स आने वाला है। उसके कमरे का पूरा इंटीरियर चेंज करके रख दिया है और शोरूम से नई गाड़ी भी आई है। और मेरे वालिद साहब, जो आपके मुताबिक किसी के सामने इतने इमोशन जाहिर नहीं करते, वो खुद बनफ्स नफीस एयरपोर्ट जा रहे हैं उसको पिक करने के लिए। भाई एक बात तो कहनी पड़ेगी, गुस्से में तुम्हारी उर्दू बहुत बेहतर हो गई है। मेरे ख्याल में तुम गुस्से में रहा करो, एटलीस्ट उर्दू तो अच्छी बोलोगी। देखो साहिल बहुत अच्छा लड़का है, तुम उससे मिलोगी बहुत खुश होगी। I hate him. Uh-huh. I really hate him. I don't like him. और अगर वो कौकाफ से आया हुआ शहजादा भी होता तब भी मुझे पसंद नहीं होता। हाँ रिशिता, वो दोनों निकाल लें। हाँ और चावल उबाल दिए। हाँ ये वाले दोनों निकाल लें। मामा अपना घर तो अपना होता है ना मामा? बिल्कुल। मुझे बहुत खुशी हो रही है घर आने पर। मामा वैसे मुझे बहुत भूख लग रही है, कुछ खाने को लगवा दें। फिक्र मत करो, तुम्हारी सारी फेवरेट डिशेस बनाई है मैंने। भाई मां बेटे का प्यार खत्म हो गया तो खाना वाला लगवाओ। ऑफ कोर्स लगवा रही हूं। क्या पढ़ रही हो? बिजनेस अकाउंटिंग। लिखा तो यही है। अस्सलाम वालेकुम हैदर भाई। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है साहिद साहब, खैरियत से पहुंच गए आप? जी लंच करके सो गया था और अब उठा हूं। बस अब जल्दी जल्दी अपने सारे फ्रेंड्स को फोन करके अपने आने का बता रहा हूं। हाँ भाई मजे हो रही है। खूब घूमूंगा मैं अपनी नई गाड़ी में। आपको पता है पापा ने मेरे लिए एक नई कार खरीदी है। हाँ मुझे बताया था तौफीक भाई ने। लेकिन अब आपसे कब मुलाकात होगी हैदर भाई? हो जाएगी। अच्छा ये बताओ तुम एमन से मिले? अब तक तो नहीं मिला, वो मोहतरमा यूनिवर्सिटी से आकर अपने रूम में आराम फरमा रही हैं। वैसे मुझे उनसे मिलने का कोई शौक नहीं है। क्या तुम मुझसे मेरी दोस्त की बुराइयां कर रहे हो? बड़े अफसोस की बात है साहिद साहब। चलो कल आता हूँ फिर तुमसे मुलाकात करेंगे। फिर मैं आपका इंतजार करूंगा। ख्याल रखना अपना। सर तुम्हारे पेपर्स कैसे हुए? बहुत अच्छे हुए पापा। तो फिर मैं उम्मीद करूं कि इस सेमेस्टर तुम टॉप करोगे। कोशिश तो पूरी की है। सर बेटा चिकन और लोलो। जी मामा। हैदर बता रहा था आज तुम्हारी कोई प्रेजेंटेशन थी। मैं जी टॉपिक क्या था? IMF की थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के साथ जो पॉलिसीज हैं वो डिस्कस करनी थी। कैसी रही प्रेजेंटेशन? बहुत अच्छी। और भाई साहिब थकन उतरी तुम्हारी? जी थकन तो उतर गई, वैसे मैं अभी आपकी तरफ आने ही वाला था। सब लोग हैं किधर? मामा किचन में है, वो आजकल मेरी फेवरेट डिशेस बना के मुझे अपने हाथों से खिला रही हैं। वो एंजॉय कर लो यार अम्मा के हाथ के खाने, मिस करोगे ये तुम। लेकिन पापा अब तक घर नहीं है। तौफीक भाई का नहीं पूछ रहा हूँ मैं, मुझे मालूम है वो ऑफिस में है। फिर मैं अम्मा साहबी और हेमन का पूछ रहा हूँ। हैदर भाई इस लड़की से आपकी दोस्ती कैसे हुई? मुझे तो ये लड़की समझ ही नहीं आती। बात करो, मिलो जुलोगे तो दोस्ती हो जाएगी। मेरे घर पर कब्जा उसने किया है, मेरे पापा को वो मुझसे शेयर करने आ गई और मुझे इस तरह देखती है जैसे मैंने उसकी कोई जायदाद पे कब्जा कर लिया। लगता है कि एमन के साथ इख्तलाफात चल रहे हैं तुम्हारे। ऐसा ना करो, बहन है तुम्हारी यार। हैदर भाई आप प्लीज उसे मेरी बहन मत बनाएं। मैंने नहीं बनाया, ये अल्लाह मियां ने रिश्ता बनाया और मैं कुछ नहीं कर सकता यार। मैं उससे इतनी ज्यादा नफरत नहीं करता जितना वो मुझसे करती है। साहब मैंने तुम्हें बताया ना बहुत डिस्टर्ब थी जहाँ से आ रही है, थोड़ा सा तो उसको थोड़ा सा तो टाइम दो ना उसको। अच्छा जाओ उसको बुला के लाओ और चाय का भी ऑर्डर दो। हैदर भाई प्लीज। अरे
जाओ ना। ठीक है। आपने साहिर को क्यों भेजा मुझे बुलाने के लिए? खुद भी तो कॉल कर सकते थे। जान के भेजा था मैं। क्या हो गया तुमको? वो कंप्लेन करता है कि तुम उससे रूड हो, तुम उससे दोस्ती नहीं करते। भाई मैं चाहता हूं तुम दोनों की दोस्ती हो, ओके? नहीं प्लीज। एक प्लान मैं बना रहा हूं, हम लोग कल चलते हैं खाने के लिए, ठीक है? इनफैक्ट ऐसा करो कि तुम लोग क्लब आ जाओ, मेरा दोस्त नहीं है साजिद, हाँ उसके साथ मेरा स्क्वाश का मैच है, आके उसको देखना, चेयर अप करना और मुझे जीतता हुआ देखना। अब आप कह रहे हैं तो ठीक है, कल यूनिवर्सिटी में काफी काम है। क्या काम है? असाइनमेंट करना है रामीन के साथ, ग्रुप असाइनमेंट है, बहुत जरूरी है, मैं नहीं आ पाऊंगी। साल बजे तक रहेगा असाइनमेंट? हाँ वैसे प्लीज कल के असाइनमेंट को छोड़ दो, एक दिन जरा मुझे दे दो प्लीज। हम लोग स्क्वाश के मैच के बाद खाने पे जाएंगे, ठीक है? ठीक है। सजीला प्लीज अपनी जिंदगी के साथ एक और तमाशा ना करना। कोई तमाशा नहीं कर रही आप ही, मैं पाकिस्तान आ रही हूँ। क्या? कैसा लगा मेरा गेम? मैंने तो बहुत एंजॉय किया, कुछ बुरा नहीं खेलते आप, है ना? भाई तुम क्यों चुप हो? क्या बोलूं? शायद ये जो तुम्हें इतनी सोबर नजर आ रही है ना, है नहीं, ये इतनी बातें करती हैं, इतनी बातें करती हैं कि भाई हाथ जोड़ने पड़ते हैं इनके आगे। से मैंने कभी इनको बोलते भी नहीं सुना, हमेशा खामोशी रहती है। अच्छा भाई जरा अपनी कैंची वाली जबान चलाओ। क्या वैसे शायद तुम्हें पता है इसकी पढ़ाई बहुत अच्छी है, हर सेमेस्टर में ये पोजीशन लेती है, और शायर भी बहुत अच्छा है पढ़ाई में। तौफीक भाई अक्सर ऑफिस में तुम दोनों की बातें करते रहते हैं, वो तुम दोनों की पढ़ाई से बहुत खुश है। भाई दैट्स गुड, और पापा तो आपसे बहुत खुश होंगे ना? जवाब दे दो। हाँ वैसे एक बार बताओ तुम तौफीक भाई से इतना डरते क्यों? ये तो आपने और मम्मा में इतना हौसला है पापा से बात करने का, वरना मुझे तो बहुत डर लगता है, मतलब मेरे पांव कांपते हैं। ओ भाई तुम लोग तो ऐसे डरते हो जैसे कोई बहुत बड़ा हवा है वो, ऐसी बात नहीं है यार, बहुत स्वीट आदमी है वो। सब छोड़े हम मूवी देखने कहाँ जा रहे हैं? मूवी भी देखोगे खाने के बाद? कौन सी देखनी है? मुझे असाइनमेंट पे काम करना है आज, वैसे ही मैंने बहुत। कोई असाइनमेंट पे काम नहीं करना है आज, मैंने तुमको कह दिया था कोई असाइनमेंट नहीं है, एक दिन छोड़ दो प्लीज। लेकिन समझने की कोशिश। नहीं मैं सुनूंगा भी नहीं, और ये लड़ाई वड़ाई बंद करो प्लीज, मैं चाहता हूँ तुम दोनों की दोस्ती हो, कोई कमेंट नहीं देना। नहीं हाथ मिलाओ हेमा, स्माइल करो, ये क्या है, स्माइल करो, यस गुड। हाँ सजीला, I was also just thinking about you. बस देख लें, आपने मुझे याद किया और मैंने फौरन कॉल कर ली। इसको कहते हैं दिल को दिल से राह होना। सुनो, बेटा ये जरा ईमन के कमरे में भिजवा दो। और बताओ कैसी हो? मेरे हाल चाल तो ठीक है, लेकिन ये ईमन कौन है? मैंने तुम्हें ईमन के बारे में नहीं बताया। ऑफ कोर्स जब मैं तुम्हारे पास आई थी तो इतनी तुम्हारी परेशानियां थी कि ईमन का जिक्र ही नहीं हुआ। ईमन तौफीक की बेटी है सजीला, तौफीक की पहली बीवी से, तुम्हें तो याद होगा। हाँ मुझे पता है तौफीक भाई की बेटी है, लेकिन वो आपके घर में क्या कर रही? सजीला उसकी अम्मी की डेथ हो गई थी तो तब तौफीक उसको यहाँ ले आए, अब तो काफी अरसे से हमारे साथ रह रही है। आपी, आपने अपनी सौकन की बेटी को घर में रखा है। प्लीज इतने सालों बाद तो आपका हक बनता है कि आपकी मर्जी के बगैर आपके घर में कोई ना आए। सजीला मेरी ही मर्जी से आई थी, ऐसी कोई बात नहीं है। और वो बेचारी कहाँ जाती? ज़ैनब की डेथ हो गई और उसका हक बनता है तौफीक पे, बाप है उसके। फिर भी आपी,
सौतेली औलाद को घर में रखना कहाँ की अकलमंदी। सजीला, मेरी सोच इतनी महदूद और छोटी नहीं है। और मैं क्यों ज्यादती करूँ एक लड़की के साथ? मुझे ऐमन से मोहब्बत नहीं है, मगर हमदर्दी जरूर है। वो बेचारी बिल्कुल तन्हा और बेसहारा आई थी यहाँ। उस बेचारी की तो माँ भी गुर्बत में बीमारी के हाथों मर चुकी है। कभी कभी तो मुझे उस बेचारी औरत पे भी बहुत तरस आता है जिसको तुम इतने आराम से मेरी सौकन कह रही हो। तौफीक को ज़ैनब से कभी मोहब्बत ना थी, फिर भी वो औरत सारी उम्र तौफीक के नाम पे तन्हा बैठी रही और फिर यूं ही मर गई। पता नहीं आपकी बातें मुझे कभी कभी बिल्कुल समझ नहीं आती। सौकन और उसकी बेटी से हमदर्दी? अच्छा सजीला, मेरी छोड़ो, तुम मुझे बताओ, अपनी जॉब का बताओ और कोई नए फ्रेंड्स बने। मुझे नए दोस्तों की जरूरत नहीं, वैसे मेरा दाना पानी यहाँ से उठने वाला है। अच्छी बातें करते हैं सजीला। ऐसे क्यों कह रही हो? आपके लिए एक सरप्राइज। सरप्राइज या शौक? सजीला प्लीज अपनी जिंदगी के साथ एक और तमाशा ना करना। कोई तमाशा नहीं कर रही आपकी, मैं पाकिस्तान आ रही हूँ। क्या तुम होश में तो हो? तुम पाकिस्तान कैसे आ सकती हो? आ सकती नहीं, मैं आ रही हूँ। इतने अरसे से प्लानिंग कर रही हूँ, अब जाके लीव लूंगी। सजीला तुम मुझे बहुत परेशान कर रही हो, प्लीज अपनी और मेरी जिंदगी को और मुश्किल मत बनाओ। आप ही मैं क्यों आपकी जिंदगी मुश्किल बनाऊं? तो फिर पाकिस्तान आने की बात मत करो। मैं तुम्हारी बहन हूँ सजीला, सब कुछ बुलाकर तुम्हें गले से लगा सकती हूँ, लेकिन तौफीक वो तुमसे इतने नाराज है, वो तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहते। और बाकी सब आप ही मुझ पर भरोसा करें, प्लीज मुझे पाकिस्तान आने से मत रोको। मैं तरसे से पापा की कब्र पर नहीं गई, मैं उनकी कब्र पर जाना चाहती हूँ, उनसे माफी मांगना चाहती हूँ, मैं तौफीक भाई से माफी मांगना चाहती हूँ। मैंने जिस जिसका दिल दुखाया है, जिस जिसका नुकसान किया है, उन सबसे माफी मांगना चाहती हूँ। आपने ही तो कहा था कि आगे देखो, मैं किस तरह आगे देख सकती हूँ अगर मैं अपने पिछले हिसाब किताब नहीं क्लियर करूँगी। मुझे मत, ये मैं करना चाहती हूँ, मैं अपनी सेटिस्फेक्शन, अपने पीस ऑफ माइंड के लिए करना चाहती हूँ। मेरी समझ में तुम्हारी बातें नहीं आ रही सजीला। मैं बस एक बात जानती हूँ, प्लीज पाकिस्तान मत आओ। जो कहानी सालों पहले दब चुकी थी उसे तबे ही रहने दो। तुम जानती नहीं कितना बड़ा तूफान आ जाएगा तुम्हारे यहाँ आने से। खुदा के लिए सोचो जरा। रिलैक्स आप इतना मत घबराएं, मेरे पाकिस्तान आने से कोई मसला नहीं होगा, मुझ पर भरोसा करें। मैं इस दफा आपको किसी के सामने शर्मिंदा नहीं करवाऊंगा। मैं सारी उम्र इस तरह मुंह छुपाकर नहीं रह सकती। ऐमन, हाय। अच्छा हुआ तुम यूनिवर्सिटी से जल्दी आ गई, मैं बहुत बोर हो रहा था। मम्मा ऑफिस चली गई कुछ इंपॉर्टेंट मीटिंग के लिए और मैं यहाँ पर अकेला रह गया। शाम को मैंने दोस्तों के साथ प्लान तो बनाया है, मगर तब तक तुम मुझे कंपनी दोगी। वैसे लंच करें साथ? मैं लंच कर चुकी हूँ, आप खा लीजिए। आप? मैं तुम्हारा छोटा भाई हूँ, मैं तुम्हें तुम करके बुला रहा हूँ और तुम मुझे आप? देखिए मैं बहुत थकी हुई हूँ, रेस्ट करना चाहती हूँ, प्लीज माइंड मत कीजिएगा।
ये आप बार बार मुझे अपनी बहन बनाने की कोशिश क्यों करते हैं? देखिए, ना ही मैं आपकी बहन हूँ, ना ही आप मेरे भाई हैं, और ना ही मैं इंटरेस्टेड हूँ आपकी बहन बनने में। आई होप कि आपको मेरी बात समझ आ गई। क्या बोलूं हैदर भाई, आपने तो मुझे बड़ी नसीहत ही की थी कि एमन से प्यार और मोहब्बत से पेश आना। उसकी ज़िंदगी में बहुत मसले हैं और उसकी ज़िंदगी में प्यार की शदीद कमी है। तो मैंने कोई गलत तो नहीं कहा था सर? एमन तुम्हारी बहन है, अकलौती बहन है, और एक भाई को वैसी उससे मोहब्बत करनी चाहिए जैसे उसको करनी चाहिए अपनी बहन से। लेकिन उस बहन साहिबा को मेरी प्यार मोहब्बत की ज़रूरत भी तो हो ना। हर वक्त तो वो अकड़ी रहती है, हर वक्त मुझे इग्नोर करती है। ऐसे में मैं उसे भाई वाला प्यार कैसे दूँ? बड़े अफसोस की बात है सर, मैं तुम्हें इतना कम हिम्मत तो नहीं समझता था। एक लड़की का दिल नहीं जीत सकते? मैं कम हिम्मत नहीं हूँ। तो ठीक है, फिर एमन का प्यार जीत के दिखाओ और उसे यकीन दिला दो कि तुम उससे प्यार करते हो। आप मुझे चैलेंज कर रहे हैं? ना, यही समझ लो। ओके, अब तो मैं एमा के दिल यहाँ से जीत कर ही जाऊंगा। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। तौफीक भाई है ना, उनका बेटा आजकल आया हुआ है बाहर से, रोज उसी से बात कर रहा था। शायर, और तुम उसकी एमन से दोस्ती करवाना चाह रहे हो? हाँ यार, एमन बहुत दुखी है, उसकी जिंदगी में मोहब्बत की शदीद कमी है। अब मैं तौफीक भाई से तो नहीं कह सकता कि वो उसको वैसी मोहब्बत दे जैसा वो चाहती है। शायर अभी छोटा है, उसमें बचपना है, अभी मासूमियत है, आजकल के ज़माने की तेज़ी चला के नहीं है। उसे मैं बार बार समझाता रहता हूँ कि वो एमन का भाई है और एमन उसकी अकलौती बहन है। उसने इस बात को बहुत ही पॉजिटिव लिया है। अब उसे वो सतीली नहीं, एमन कहता है। और ये सब तुम इंसानी हमदर्दी में कर रहे हो एमन के लिए? क्या हमदर्दी के लिए क्यों करूँगा यार, मेरी दोस्त है, उसकी मदद कर रहा हूँ। ऐसे क्या देख रहे हो, क्या मेरे सर पर सींग निकल आया? एमन से मिलने के बाद तुम कितने बदल गए राजू, मैं देख रहा हूँ। बहुत अच्छा होता है सेल्फलेस होकर किसी के लिए सोचना, अच्छी बात है। मगर खुशियां सिर्फ एमन को नहीं, तुम्हें भी मिलनी चाहिए। कोई अच्छा लगे तो मान लेना चाहिए कि वो अच्छा लगता है, खुद पर जब्त के बाद नहीं मानना चाहिए। क्या बात करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा, तो मेरे बारे में बिल्कुल गलत समझ रहे हो। है बिल्कुल ठीक समझ रहा हूँ, आंखें झूठ नहीं बोलता। मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, मुझसे खुद को क्यों छुपाते? एमन, कहाँ जा रहे हो? काम से जा रही हूँ। अगर काम जरूरी ना हो तो थोड़ा टाइम मुझे दे दो। नहीं शायर, मुझे ड्राइविंग क्लास पे जाना है, मेरी इंस्ट्रक्टर आती ही होंगी। तुम ड्राइविंग सीख रही हो? हाँ। तो मुझसे सीख लो। एक काम करो, इंस्ट्रक्टर को कॉल करके मना कर दो और आज हम चलेंगे लॉन्ग ड्राइव पे, वहाँ तुम्हें गाड़ी भी सिखा दूंगा। नहीं शायर, थैंक यू वेरी मच, इसकी कोई जरूरत नहीं, मैं इंस्ट्रक्टर से ही सीखना चाहूंगी। मतलब भाई से ज्यादा भरोसा तुम्हें उस इंस्ट्रक्टर के ऊपर है? या बार बार मुझे अपनी बहन बनाने की कोशिश क्यों करते हैं? देखिए, ना ही मैं आपकी बहन हूँ, ना ही आप मेरे भाई हैं, और ना ही मैं इंटरेस्टेड हूँ आपकी बहन बनने में। आई होप कि आपको मेरी बात समझ आ गई। देखो एमन, मानो या ना मानो, तुम मेरी बहन तो हो। एक भाई और बहन की कमी तुम्हें भले महसूस नहीं होती हो, मगर मुझे ज़रूर होती है। मैं हमेशा चाहता था कि मेरी एक बहन हो जो मुझे बहुत प्यार करे। एमन बीबी, वो जहर बाबा। क्या हुआ रशीदा? पता नहीं जी, मैं तो कमरे में गई थी, बेहोश पड़े थे। साहिर, 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 क्या हो गया? पता नहीं जी, साहिर बाबा को क्या हो गया? साहिर उठो। देर से लौटे थे, अपने दोस्तों के साथ गए थे गाने के प्रोग्राम में। साहिर, मुझे तो डर लग रहा है कहीं उसे अपना साया ना हो गया। क्या बकवास बातें कर रही है, जा जा के पानी ला रशीदा। माशाल्लाह प्यारे भी लग रहे थे, ला रही हूँ पानी। साहिर उठो, साहिर क्या हो गया, पानी लाओ। साहिर ये ले। साहिर उठो, साहिर तुम यहाँ खड़ी भी क्या कर रही हो, जा जाके डॉक्टर को फोन करो अभी। साहिर, साहिर उठो, साहिर क्या हो गया,
साहिर प्लीज उठ जाओ, साहिर क्या हो गया? ठीक हो साहिर? एमन, ये रिश्ता मैंने या तुमने नहीं, अल्लाह ने बनाया। मैं हमेशा चाहता था कि मेरी एक बहन हो और वो मुझसे बहुत प्यार करे। सब क्या था साहिर? साहिर बाबा, आप ठीक हो गए? शुक्र अल्लाह, मैंने डॉक्टर साहब को फोन कर दिया, अभी 10 मिनट में पहुंच रहे हैं। कह रहे हैं जब तक मैं नहीं आता तब तक मरीज को आप डॉक्टर को एक फोन और कर दो और उन्हें कहो कि उनका मरीज अब बिल्कुल ठीक हो गया है। अब जाओ। तुम कहाँ जा रही हो अमन? हाथ छोड़ो मेरा, मुझे तुम जैसे झूठे इंसान से बात नहीं करनी। यार सिस, अब इस गुस्से का कुछ फायदा नहीं है क्योंकि तुम मुझे अभी बता चुकी हो कि तुम्हें मेरी परवाह है। अगर मुझे कुछ हुआ तो तुम्हें फर्क पड़ेगा। मुझे रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ेगा साहब, मेरी जिंदगी में तुम्हारी कोई अहमियत नहीं है। लेकिन अभी जो ये आंसू कुछ और ही बता रहे हैं अमन। अच्छा ना बाबा, छोड़ो, आओ बैठो यहाँ। देखो मैं तुम्हारा भाई हूँ और मैं अब तुम्हारे कदमों में बैठूंगा। एमन, अगर तुम मुझसे इतना प्यार करती हो तो उस प्यार को मान भी लो ना। मुझे पता है ये बेहोशी की एक्टिंग थोड़ी सी ओवर थी, मगर मैं और क्या करता। मुझे लिफ्ट ही नहीं कराती थी तुम, मुझे हमेशा इग्नोर करती थी, मगर मुझे अपनी बहन से दोस्ती करनी है। और दोस्ती करने के लिए सारी एक्टिंग करनी जरूरी थी? ऐसे तुम दोस्ती भी तो नहीं कर रही थी ना। मेरी बहन हैदर भाई की बहुत अच्छी दोस्त है, मगर मुझसे बात तक नहीं करती थी। मुझे हैदर भाई से भी जेलसी होती थी, पता है। एक बात बोलूं, हमारी माएं भले ही अलग हो मगर हमारे पापा तो एक ही है ना। पापा से जो रिश्ता मेरा है वही तुम्हारा भी है, मगर तुम्हारी जिंदगी में जो कुछ हुआ उसमें मेरा तो कोई कसूर नहीं ना। तुम्हारा कोई कसूर नहीं है साहिर। तो फिर तुम मुझसे खफा क्यों रहती हो? I'm sorry. देखो, हैदर भाई ने मुझे तुम्हारी पिछली जिंदगी के बारे में सब कुछ बता दिया और मुझे तुम्हारे दुखों पर अफसोस है, क्योंकि मुझे जो प्यार पापा से मिला वो तुम्हें नहीं मिला, जो कि तुम्हारा हक था। अच्छा खैर, हम इस रिलेशनशिप से सौतेले का लफ्ज ही हटा देते हैं, ठीक है? ठीक है। गुड फ्रेंड्स, बस अब हमारी फ्रेंडशिप सील हो चुकी है। वैसे चलोगी आज मेरे साथ? बीबी ने मेरे एजाज में एक दावत रखी है। सलाम अलैकुम। अस्सलाम। ये शहीर, शहीर जावेद हैं और ये मेरे बेस्ट फ्रेंड हैदर मसूद। साहिल पे खड़े हो तुम्हें क्या गम, चले जाना। साहिल पे खड़े हो तुम्हें क्या गम, चले जाना। मैं डूब रहा हूँ अभी, डूबा तो नहीं हूँ। ए वादा फरामोश में तुझसा तो नहीं हूँ। हर जुल्म तेरा याद है, भूला तो नहीं हूँ। ए वादा फरामोश में तुझसा तो नहीं हूँ। हर जुल्म। वेरी गुड। आपने सुनी मेरे भाई की आवाज़? मेरे भाई की आवाज़? ओह, बड़ी दोस्ती होगी बहन भाई में। हैदर भाई, ऐसी दोस्ती थोड़ी हुई है, बहुत मेहनत करनी पड़ी है मुझे। अच्छा क्या? अच्छा साहिब बस। नहीं नहीं, मुझे सुनने दो, मुझे सुनने दो। कमरे में एक घंटे तक मैंने बेहोशी की एक्टिंग की है और फिर जाके मोहतरमा और रशीदा मेरे रूम में आई है। मोहतरमा और रशीदा, वेरी गुड। क्या हुआ था? अरे हैदर भाई, एमन की शक्ल देखने वाली हो गई थी, वो मेरी बेहोशी की एक्टिंग पर रो पड़ी थी। जी नहीं, ये एग्जैजरेट कर रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं कर रहा, मुझे मालूम है ये रो सकती है। साहिर उठो, क्या हुआ तुम्हें? मेरे चंदा, क्या हुआ तुम्हें? चंदा
नहीं भाई, अच्छी बात है। I'm feeling so happy कि तुम लोग की दोस्ती हो गई। ऐसी रहना यार, तुम लोग लड़ना नहीं यार, ठीक है? सायर कहाँ जा रहे हो, देर हो रही है। तौफीक गाड़ी में बैठ चुके हैं। मैं तैयार हूँ मामा, बस सिर्फ दो मिनट, इमन से मिल लूँ। बेटा रात को क्यों नहीं मिल लिया, अब इस वक्त जाओगे कितना रूड लगता है। प्लीज ना। अच्छा जल्दी से आओ फिर। चलो इमन। मैं तुम्हारे पास ही आ रही थी सायर, पता है मैंने सुबह के 4 बजे का अलार्म लगाया था। अच्छा हुआ तुमने अपने भाई पर थोड़ी मोहब्बत तो झाड़ी। तुम अपना बहुत ख्याल रखना। मैं अपना बहुत ख्याल रखूंगा, पर तुम भी अपना ख्याल रखना। मम्मा पापा को जैसे मैं फोन करता हूँ वैसे तुम्हें भी करूँगा, पर मेरी कॉल उठाओगी ना? अगर वक्त हुआ तो बात कर लिया करो। मजाक कर रही हूँ, करूँगी। बस यही कहोगी? और क्या कहूँ? एटलीस्ट यही कह दो कि तुम अपने इकलौते और छोटे भाई से बहुत प्यार करती हो और उसे बहुत ज्यादा मिस करोगी। मुझसे सुबह सुबह सारी बातें नहीं होती सायर। तो एटलीस्ट मैं तो कह सकता हूँ ना, मैं अपनी इकलौती बहन से बहुत मोहब्बत करता हूँ और उसे हद से ज्यादा मिस करूंगा। सेम हियर सायर। चलो चलो। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कहाँ हैं आप, मैं आपका इंतजार कर रही हूँ भाई। बस यार रास्ते में हूँ, 5 मिनट में पहुँच रहा हूँ। अब ये बैठे बैठे मेरे साथ शॉपिंग का क्या शौक पड़ गया? देखें, आपने मुझे कहा था ना डिबेट कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए, तो अब आपके कहने से मैं पार्टिसिपेट कर रही हूँ, तो शॉपिंग के लिए आप ही मेरे साथ जाएंगे। भाई तुम रामीन के साथ चली जाओ, मुझे लड़कियों के फैशन का क्या पता। नहीं नहीं प्लीज, अब इस बात पे फर्दर डिस्कशन नहीं होगी। जब मैंने कह दिया आपके साथ जाना है तो बस आपके साथ ही जाना है। तुम बस नई नई मंतके लाया करो, बस पहुँच गया हूँ, यू टर्न लूंगा तुम्हारी यूनिवर्सिटी में होगा। अच्छा बस जल्दी आए। ओके खुदा हाफिज़। खैरियत है इमन, तुम अभी तक बैठी हो या? 5 बज गए हैं, घर नहीं जाना। वो लाइब्रेरी में असाइनमेंट कंप्लीट कर रही थी। तुम लाइब्रेरी में थी? मैं भी लाइब्रेरी में था, मैंने तो तुम्हें बिल्कुल नहीं देखा। अच्छा ये बताओ तुम्हें कोई पिक कर रहा है, मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। नहीं शही, थैंक यू वेरी मच, मेरी गाड़ी बस आने वाली है। लो आ गई। अस्सलाम वालेकुम। ये शहीर शहीर जावेद हैं और ये मेरे बेस्ट फ्रेंड हैदर मसूद। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम, कैसे हो शहीर? वेरी वेल थैंक यू। चलें? हाँ चलो। ओके शहीर, लवली मीटिंग। लाइकवाइज सर, थैंक यू। थैंक यू। आपको इतनी देर क्यों हो गई आने में? शहीद के साथ तुम्हारे स्टडीज में कंपटीशन रहता है ना, अक्सर तुम लोग असाइनमेंट भी साथ करते हो। जी आपने सही पहचाना, मगर इस दफा मैं उसको अपने साथ फर्स्ट पोजीशन शेयर करने ही नहीं दूंगी। गुड, आज ये तुम्हारी वजह से रुका था ना? पहले तो नहीं, मगर अभी थोड़ी देरी हुई थी कि पार्किंग में मेरी वजह से रुका हुआ था। खैर शहीद कुमार गोली और मुझे बताएं कि मैं डिबेट कंपटीशन में क्या पहनूं, फॉर्मल या फिर कैजुअल? मुझे क्या मालूम, तुम्हारी मर्जी है। अरे ऐसा करें, शॉपिंग मॉल चलते हैं, मुझे बहुत भूख भी लग रही है, साथ साथ शॉपिंग करेंगे और खाना भी खा लेंगे। ओके। नाश्ते के बाद एडिटोरियल वाले पेज पे आर्टिकल पढ़ लेना, तुम्हारे सब्जेक्ट से रिलेटेड है और बहुत इंफॉर्मेटिव। अस्सलाम वालेकुम। तुम्हें यहाँ आने से मना किया था सजीला, क्यों आई हो यहाँ? अब अल्लाह जाने क्या होगा।
तौफीक भाई मुझसे बहुत खफा है ना, उन्हें होना भी चाहिए। तुम्हें कहा था कि पाकिस्तान मत आओ। क्यों ना आती, बिल्कुल ठीक किया मैंने पाकिस्तान आके। तौफीक भाई मुझसे नाराज है, मैं मना लूंगी उन्हें। सजीला, तौफीक भाई मैं जानती हूं मैं जो कुछ यहां पे करके गई हूं वो माफी के लायक नहीं है, लेकिन मैं बड़े मान से आपके पास आई हूं, प्लीज मेरे मान को मत तोड़िए। पापा के बाद आप ही मेरे सरपरस्त। अपनी छोटी बहन समझ के ही माफ कर दूं। तुम्हारे माफी मांग लेने से या मेरे तुम्हें माफ कर देने से सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा सुशीला। तुमने जो कुछ किया वो कोई मामूली बात नहीं थी। मुझे अपने सब गुनाह याद है तौफीक भाई, इस गिल्ट के साथ मैं मरते दम तक रहूंगी। अगर आप लोग माफ कर दें तो शायद मैं अपने आप को माफ कर सकूं। मैं पाकिस्तान सिर्फ इसलिए आई थी कि आपके और आपी के साथ कुछ दिन गुजार सकूं। आपके और आपी के सिवा मेरा इस दुनिया में और कोई नहीं। प्लीज मुझे माफ कर दें। अगर आप मुझे नहीं माफ करना चाहते तो मैं पापा के घर चली जाती और आइंदा कभी यहां नहीं आऊंगी। तुम पाकिस्तान आई गई हो तो तुम्हें कहीं और नहीं, हमारे साथ ही रहोगे। आपने मुझे माफ कर दी। अगर मैं तुम्हें अपनी छोटी बहन नहीं समझता तो मेरे लिए तुम्हें माफ करना बहुत मुश्किल होता। ठीक है, मैं और अलमास तुम्हें एक मौका और देते हैं। तुम जब तक जाओ यहां रह सकते हो। एक बात का ख्याल रखना सजीला, ऐसा कुछ नहीं करना जिससे हम दोनों को शर्मिंदगी उठानी पड़े। तुम्हारी वजह से हम दोनों पहले ही लोगों के सामने बहुत शर्मिंदा हो चुके हैं। मैं आपको और आपको तो पहले ही बहुत शर्मिंदा कर चुकी, वैसे कोई हरकत नहीं करे। मैं तो आपको इतनी मजेदार बात बताना ही भूल गई। क्या? आंटी की बहन है सजीला। अभी तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि जब बीबी और हैदर को पता चलेगा कि तुम यहाँ हो वो किस तरह रिएक्ट करेंगे। सजीला अब पाकिस्तान आ गई है।
जितना तुम्हें उस पर गुस्सा था मुझे भी था, लेकिन हमने उसे माफ करके एक मौका दिया है और हो सकता है हमारे इस फैसले से तुम हार जाओ।